जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहां पर चार पंखुड़ियां वाला होता है। और इस चक्र से, क्योंकि यह सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोस एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं। और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहां बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है। और यह बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है। ये बहुत समझने की बात है। इसी चीज को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं, जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की दो विक्षिप्त चीजें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई जरूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज है, पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं। और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेढ़ के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में, वो हर तरह के नक्षत्र और हर एक चीज की स्थापना करता है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है, तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार, उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ था, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है, या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफें हो जाती हैं, उन सब तकलीफों का इलाज है हजरत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेगा। बड़ा रोना है दुनिया में, हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं। इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हजरत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो दो बेटे थे हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं है लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपको, आपने कभी वाइब्रेशन फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज़ है और ब्रह्म क्या चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया
कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ था। आज वो समय आ गया है जिसका संपूर्ण समग्र इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाए। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है ही, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अकलमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी पक्के दिमाग से यही कहता कि हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है, इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलता। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहज योग में अगर आप हम्बल नहीं हो और आप अगर इस चीज को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की चार वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चांस से बना, इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके आठ कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म है वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं। इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक ही सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊंगा। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव, वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो उदय में कहना चाहिए या उसको कहना चाहिए कि वहां उनके उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहां रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जाना वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बस, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना दे और उनके अंदर शक्ति भरती हैं। और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है
लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है, और यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है।